अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलकनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपने जो फॉर्म 45 उन्होंने अपलोड किए हैं तमाम हलकों के हवाले से, वहां पर उन्होंने जो तगड़ी तगड़ी गलतियां की हैं, वो ऐसे समझे कि कोई बंदा भी कभी भी किसी भी टाइम अगर अदालत में कोई बंदा जाला चला जाएगा, जो जाहिर हर बंदा जा भी रहा है, अब जाएगा भी नहीं, वो मामला जो है वो उसको डिफेंड करना नामुमकिन सी बात है। हाँ, अगर कोई बंदा इसी तरह से जिस तरह से आरओ ने ओरिजिनल रिजल्ट के हवाले से आंखें बंद कर ली हैं, अगर अदालत भी आंखें बंद कर ले तो वो और बात है, वरना जितने ये वाजे तौर के ऊपर उन्होंने धांधली की है, जितनी ज्यादा की है, तो ये अब छुपने वाली बात नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर अभी भी हमने देखा है, वो कराची से लेकर वो पिशावर के नूर आलम वाले हलके पे चले जाएं, इस्लामाबाद वाले हलके पे चले जाएं, लाहौर, डेरा गाजी खान, किसी भी हलके में चले जाएं, जहां पर भी इन्होंने फॉर्म 45 जो ओरिजिनल था उसको इन्होंने जिस जिस अंदाज में जिस जिस पेंसिल 20 रुपए की पेंसिल के साथ इन्होंने वो उसको जुम्बिश दे के जो तरीके बदले हैं, वो उनका तो लेवल ही अलग है। लेकिन आज इस विलाग के अंदर हम एक और अंदाज की धांधली जो है वो आपको बताते हैं। ये जो मामला है ये एक मंडी बहाउद्दीन का हलका है, मंडी बहाउद्दीन का हलका है NA 69, जहां पर मोहतरमा जनाब कौसर परवीन भट्टी साहबा, जो मोहम्मद खान भट्टी है, जो अभी तक 6-7 माह से जेल में है, वो उनका मुकाबला था यहाँ पर जनाब नासिर इकबाल बोसाल के साथ। ये मंडी बहाउद्दीन का हलका है। नासिर इकबाल बोसाल साहब पहले 2 से 3 मरतबा MLA बन चुके हैं, लेकिन अब उनको जब शिकस्त हुई तो यहां पर रिजल्ट्स को है वो तब्दील किया गया। अब किस अंदाज में तब्दील किया गया, यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, पूरे मुल्क से इसके जब फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक भी अगर आप काउंटिंग करें तो फिर भी कौसर परवीन भट्टी जीत जाती है। लेकिन नोटिफिकेशन जहां पर हर हुए बंदे का निकलता है, मतलब वो इलेक्शन कमीशन जिसने अपने तई धांधली करके एक फॉर्म 45 जारी किया है और अपलोड किया है, उसके मुताबिक भी जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो और है, जिसने हलफ उठा लिया वो और बंदा है। ये तो ऐसे बात है भी, आपने ऑफिशियल जो खुद रिजल्ट निकाला, जहां पर ऑफिशियल गलती है वो तो और बात है, लेकिन ये वो वायद हल्का है जहां पर इन्होंने जो असल रिजल्ट निकाला उसके मुताबिक भी और बंदा जीत रहा है, लेकिन फिर भी उनको जिताया गया। यहां पर एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात है NA 69 के हवाले से। यहां पर इन्होंने पहले एक फॉर्म 45, 46, 48 ये सारे होते हैं, इन्होंने फॉर्म 48 दिया जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि हर पोलिंग स्टेशन में ये रिजल्ट है, वो इन्होंने खुद जो है टाइपिंग करके वो रिजल्ट इशू किए थे पहले कि यहां पर ये रिजल्ट आया, यहां पर ये रिजल्ट आया। लेकिन जब इन्होंने फॉर्म 45 जारी किए, अब उसका भी ओरिजिनल है, हमने जो उन्होंने कहा कि 48 का है वो फॉर्म 45 ये है, इनके फॉर्म 48 अपने और इनके अपने फॉर्म 45 भी आपस में नहीं मिलते। ये किसी बंदे ने इलेक्शन कमीशन को इस तरह का, जिसको कहते हैं ना कि बस काम पे लगा दिया है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही, कोई सियाना बंदा ही उधर नहीं बैठा कि आप कम से कम चीजें जो आप खुद दे रहे वो तो ठीक कर ले, मैं आपको थोड़ा मोहम्मद खान भट्टी वाला जो उनकी जो बेगम जहां पर इलेक्शन लड़ रही थी उस हवाले से कुछ 4-5 आपको हल्के हैं उसकी मैं मिसाल बता देता हूं। देखिए, ये पहला हल्का है पोलिंग स्टेशन नंबर 106 मॉडल प्राइमरी स्कूल अजोवाल। इसमें जो फॉर्म 48 है, जो इलेक्शन कमीशन का ओरिजिन अपना फॉर्म 48 है, फॉर्म 48 याद रखें इलेक्शन कमीशन ही जारी करता है, ये उसके मुताबिक इसके वोटों की तादाद है जी 460, ठीक है जी, 460 है, सॉरी जो फॉर्म 48 है उनके मुताबिक 556 वोट है जो नासिर इकबाल बोसाल साहब के हैं, लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक 460 है। मतलब यह है कि जो इन्होंने फॉर्म 48 जारी किया वो फॉर्म 45 को देखकर जारी किया, उसको देखकर भी इन्होंने गलत नंबर लिख दिया, उसके मुताबिक 460 है लेकिन इन्होंने यहां पर 556 लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद एक और आपको मैं हल्का बताता हूं, उसके बाद एक और है पोलिंग स्टेशन नंबर 102 बॉयज एलिमेंट्री स्कूल बादशाहपुर। यहां पर इन्होंने जो फॉर्म 45 के मुताबिक नासिर इकबाल बोसाल के 383 वोट है, ये हम उन फॉर्म 45 की बात नहीं कर रहे
जो कैंडिडेट्स के पास मौजूद है, ये वो फॉर्म 45 है जो सरकार ने खुद जारी किए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जारी किए हैं 383, लेकिन इन्होंने जो फॉर्म 48 अपना जारी किया उससे पहले उसमें इन्होंने 443 लिख दिए, 383 से 443 हो गए जी। यहां पर भी 60 वोटों का घपला। उसके बाद ये देखें पोलिंग स्टेशन नंबर 6, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 89 मॉडल प्राइमरी स्कूल खनाना, खाना, ये जो खनाना, ये जो है फॉर्म 45 के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 151 वोट है नासिर इकबाल भोसाल के, लेकिन जब फॉर्म 48 में इन्होंने जो लिखे हैं वो इन्होंने बताए 182, 31 वोटों का यहाँ पे घपला है भाई। अपने इनके जो वो है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट है वो भी इनसे नहीं मिलते। अच्छा जी, फिर इसके बाद है एक और है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 87 एलिमेंट्री स्कूल हसन, ये जो है यहां पर नासिर इकबाल भोसाल के फॉर्म 45 के मुताबिक है 222 वोट, लेकिन जो फॉर्म 48 जारी किया है उसमें है 274, यहां पर 52 वोटों का इन्होंने धांधला मारा है। उसके बाद है पोलिंग स्टेशन नंबर 46 प्राइमरी बॉयज प्राइमरी स्कूल रत्तोवाल, यहां पर जो फॉर्म 45 के मुताबिक नासिर इकबाल भोसाल नून लीग के जो है उनके हैं 306 वोट, लेकिन फॉर्म 48 में 381 वोट, यहां पर 75 वोटों का इन्होंने धांधला मारा है। उसके बाद है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 42 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मक्के वाली, यहां पर फॉर्म 45 के मुताबिक जो है, अच्छा फॉर्म 45 में फिर कह रहा हूं ये जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जारी किया है 208 फॉर्म 45 के मुताबिक, लगातार फॉर्म 48 में इन्होंने 245 कर दिए, अब 37 वोटों का यहां पर धांधला हुआ। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर 29 बॉयज हाई स्कूल कदर, ये जो है फॉर्म 45 के मुताबिक नासिर इकबाल भोसाल नून लीग के 171 वोट है, लेकिन जो फॉर्म 48 है उसमें 213 वोट है, 42 वोटों का यहां पर भी फर्क है। इसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर 23 एलिमेंट्री स्कूल एनोवाल, यहां पर नासिर इकबाल भोसाल के 151 फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 48 में इन्होंने 185 शो किए, अब यहां पर भी 34 वोटों का घपला। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 गर्ल्स हाई स्कूल खटियाला शेखा के अंदर फॉर्म 45 के मुताबिक नासिर इकबाल भोसाल के 225 वोट, लेकिन फॉर्म 48 में ये 225 जो है 276 हो जाते हैं, और वो 51 वोटों का यहां पर भी धांधला। तो इस तरह से ये वो धांधले हैं जो फॉर्म 45 को अगर हम ठीक मान लें जो इन्होंने खुद अपलोड किए हैं उसके मुताबिक भी यहां पर जिस तरह की बदतमीजी के साथ और बेहयाई और डटाई के साथ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आरओ ने यहां पर धांधली की है, इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया, जाहिर एक्शन लिया जाएगा, वो किसी भी ना किसी अंदाज में लिया जाएगा। वो केपीके के अंदर आप देख रहे हैं वो पुलिस वाले, वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने लोगों के घरों में जो घुसे हैं उनका वहां पर हिसाब किताब शुरू हो चुका है। एक दो बंदे को खुडे लाइन लगा दिया गया और वो ऐसी जगह पहुंचाया गया उनको कि वो जो है वो अभी तक कहते फिर रहे वफाक को जी मेरी जान छुड़वाए यहां से। तो इसलिए इस तरह के बंदों को जो बॉर्डर पे भेजा रहा है ताकि जो दहशतगर्द है वो इन्हीं के साथ टकरते रहे और जो कुछ भी है अवाम के अंदर ये रहकर जिस तरह की इन्होंने झूठ और बेईमानी की है उससे निपटा जा सके। ये जिस तरह की अब ये धांधली है इनके अपने उसके मुताबिक चीजों के मुताबिक उसके मुताबिक, तो अब ये इलेक्शन जो है मैं पहले भी कहता रहा हूं इस तरह के इलेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत होती भी है हमें हर वक्त, चाहे इस तरह से जिस तरह भी इलेक्शन बहरहाल होने चाहिए ताकि उससे फिर पता चलता है कि हमारे यहाँ किस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग जो है वो आपके और मेरे ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने धांधली भी करनी है तो उनको वो भी किसी ढंग की वजह से वो धांधली भी नहीं कर पाते। अगले इस तरह के एक हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए नो साइड, थैंक यू सो मच।